विचारवान बनोगे तो महान बनोगे, विचारवान बनोगे तो महान बनोगे, इसलिए विचारवान बनो। विकार कुमति है, अच्छे विचार सुमति। हनुमान जी सुमति को भरते हैं, कुमति को हटाते हैं, इसलिए विचारवान बनना है, विकारवान नहीं बनना। ज्यादातर दुनिया के लोग विकारवान हैं, विचारवान नहीं है, विकारवान, विकारों से भरे हैं, वासना से भरे हैं। स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आकर्षण, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण, दिखाए जा रहे, प्रदर्शन में जिए जा रहे, दर्शन छूट गए, प्रदर्शन कर रहे, वासना से भरे हैं, उपासना छूट गई, काम काज से भरे हैं, राम काज छूट गया, साधन खरीद रहे, साधना छोड़ रहे। हम विचारवान नहीं है, विकारवान है। और याद रखना मेरे पागलो, जापान की एक बहुत प्रचलित कथा है झेन रिंझाई की। वहां का एक फकीर हुआ झेन रिंझाई, रिंझाई फकीर बहुत प्रसिद्ध हुआ। रिंझाई फकीर के पास में एक आदमी पहाड़ पर दौड़ता गिरता उठता गया और रिंझाई को उसने प्रणाम करके बोला कि हमने सुना तुमने भगवान को पाया है, तुम मुझे बताओ भगवान को मैं पाना चाहता हूं, मुझे भगवान को पाना है। रिंझाई हंस गया, वो पागल था, बाबरा था, बोले मुझे बताओ सत्य को कैसे जानूं। उस आदमी ने कहा रिंझाई मैंने सुना तुम फकीर हो पहुंचे हुए, मुझे बताओ मैं सत्य को कैसे जानूं, मुझे बताओ मैं बुद्धत्व को कैसे जानूं, मुझे बताओ मैं परमात्मा को कैसे पाऊं, मुझे बताओ मैं आनंद को कैसे पाऊं, मुझे बताओ मैं प्रभु को कैसे पाऊं। रिंझाई मुस्कुराया, बोले शांति तो रख, पहले थोड़ा चाय तो पी ले, इतना लंबा चल के आया जरा ठहर भाई, इतनी जल्दी चाय पी। रिंझाई ने अपने हाथों से चाय बनाई, चाय का प्याला लिया, एक कटोरी ली और एक प्लेट में चाय के कप को रखा और रिंझाई पहुंच गया सामने और उसने चाय के प्याले से कप में चाय डालना प्रारंभ किया। आप चौंकेंगे, उसने पूरे कप में लबालब चाय को भरा। तो चाय जब भर गई फिर भी प्याली से डालना बंद नहीं किया तो चाय कप से ओवरफ्लो करके प्लेट में गिरने लगी। रिंझाई ने फिर भी डालना जारी रखा तो प्लेट भर गई। जो व्यक्ति सामने बैठा था वो देख रहा था, उसे लगा शायद यहां इनकी ऐसी परंपरा होगी कि प्लेट भी भर के दी जाती है और कप भी भर के दिया जाता है। लेकिन जब प्लेट भी भर गई, वो एक एक बूंद करके रिंझाई बड़ी सावधानी के साथ खुशबू लेता हुआ चाय की डाल रहा था तो उस आदमी ने कहा बस करो, पागल हो क्या तुम, हमने तो सुना था कि तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो। रिंझाई से कहा हमने तो सुना था कि तुमने सत्य को जान लिया और बड़े पागल नजर आ रहे हैं, चाय भर गई लबालब नीचे गिरने लगी फिर भी तुम डाले जा रहे हो, अब नहीं ठहरेगी। एक बूंद डाली नीचे गिर गई, दूसरी बूंद डाली नीचे गिर गई तो जो आदमी बैठा था वो बोला कितनी भी बूंद डालो अब टिकने वाली नहीं है क्योंकि कप ऑलरेडी भर चुका है, फुल है, प्लेट ऑलरेडी भर चुकी है, फुल है। रिंझाई ने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता। मतलब? रिंझाई मुस्कुराता हुआ बोला तुम विकारों से पहले ही लबालब भरे हुए हो, मैं अगर तुम्हें सत्य परोस भी दूं तो टिकने वाला नहीं है, ये गिर जाएगा क्योंकि तुम लबालब विकारों से भरे हो, कामनाओं से भरे हो, तुम द्वेष से भरे हो, तुम ईर्ष्या से भरे हो, तुम क्रोध से भरे हो, तुम वासना से भरे हो, तुम द्वंद से भरे हो, तुम प्रपंच से भरे हुए हो तो तुम्हारे ऊपर ये जो प्रेम का रस है, ये जो भक्ति का रस है, ये जो आनंद का रस है, ये जो कथा का आनंद है, ये जो हनुमान जी का आनंद है, ये जो हनुमान जी का प्रसाद है, ये तुम्हारे मन में टिकेगा नहीं। याद रखना बरसात का पानी कभी पहाड़ों पर नहीं टिकता है क्योंकि वो खड़े रहते हैं, जहां पर गड्ढा होता है वहीं बरसात की बूंद टिकती है। वैसे ही हनुमान जी का प्रसाद भी जिसके हृदय में भक्ति का गड्ढा होता है उसी के दिल में टिकता है। कपड़ा खराब होता है तो हम लोग डिटर्जेंट में डालते हैं, डिटर्जेंट साफ कर देता, ठीक कर देता। वैसे ही मन खराब होना कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना। जैसे आपके कपड़े को
पाउडर साफ कर देता, वैसे ही मन के मैल को कथा साफ कर देगी, गुरु की दृष्टि साफ कर देगी। गुरु की तो दृष्टि ही काम करती, जरूरी नहीं गुरु तुम्हें मिले, तुमसे गुरु की बात हो, गुरु की नजर पड़ गई, समझो तुम्हारा काम हो गया। गुरु की दृष्टि से, और फिर वो गुरु किस काम का, सूर्य के मिलने से भला नहीं होता, सूर्य के तो उगने से ही भला होता। सूर्योदय हुआ नहीं कि अंधकार भागा, सूर्य प्रकाशित तो हुआ नहीं कि अंधकार भागा, ऊष्मा आ जाती है, ताप आ जाता है। वैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ी नहीं कि अज्ञान भागा, वरना वो गुरु किस काम का, जिसको सुनकर, जिससे जुड़कर, जिसको पकड़कर, जिसके चरणों में रहकर, जिसकी वार्ता पे चलकर, अगर हमारी जिंदगी में चमत्कार ना हो, हमारी जिंदगी बदले ना, हमारी जिंदगी में प्रकाश ना हो, वो गुरु किस काम का, वो सदगुरु किस काम का। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी दृष्टि में तो एक गुरु बहुत प्यारे हैं, जिनको पकड़कर तुम प्रकाशित हो जाओ। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, दोनों हाथ उठा के गाओ ना। कृपा करो गुरुदेव की खाई, कृपा करो गुरुदेव की खाई। बड़े भाव से गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु चंद्र भगवान की जय हो। तो विचार को बदलेंगे कैसे, विकार को मिटाकर विचार को बदलकर व्यक्ति महान बनता है, यह बात तो तय हो गई, पर यह विकार मिटेंगे कैसे, विकार मिटाने वाले कोई हैं? हाँ एक हैं, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का काम विकार मिटाना, विचार बदलना ही है। अच्छा विचार क्या है, मन में चलने वाले थॉट, अंग्रेजी में आप उनको थॉट्स कहते हैं। एक बात सुनो, मिट्टी के कण मिलते हैं तो ईंट बनती है, जब बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो दीवार बनती है, जब दीवार तीन चार हो जाती हैं तो मकान बनता है, जब 10-20-50 मकान होते हैं तो कॉलोनी बनती है, और जब 10-20-50 कॉलोनी हो जाती हैं तो नगर बनता है, और जब नगर जैसे 3-4 नगर समा जाएं, ऐसी सिटी हो जाती है तो महानगर बनता है, और ऐसे कई महानगर हो जाएं तो देश बनता है। अब देखना बात कितनी छोटी है, मिट्टी के कणों ने एकता की तो ईंट बनी, ईंटों ने एकता की तो दीवाल बनी, दीवाल ने एकता की तो मकान बना, मकानों ने एकता की तो कॉलोनी बनी, और कॉलोनियों ने एकता की तो नगर बना, और नगरों ने एकता की तो महानगर बना, और महानगरों ने एकता की तो देश बना, और देश ने एकता की तो विश्व बना। अच्छा कितनी छोटी बात है और कितनी बड़ी बात है कि मिट्टी की एकता से ही पूरा संसार है। हम लोग भी ऐसे ही विचारों की एकता करेंगे तो हमारा संसार भी मन का बड़ा सुंदर हो जाएगा। बाहर के संसार से भीतर को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बाहर का कितना ही बढ़िया हो, भीतर का डिस्टर्ब हो, सब गड़बड़ है। कई लोगों का बाहर का तो बहुत बढ़िया रहता, रंग गोरा मन काला, लो कौन काम के, फाउंडेशन बहुत लगाते, खूब चमक रहे, खूब मन लेकिन काला है, ठटरी बरा। अरे भाई बाहर से सुंदर दिखने से तुम्हारा भला नहीं है, मन सुंदर है कि नहीं। तन से सुंदर तो हजारों होते हैं, तन की सुंदरता वासना की तरफ ले जाती है, मन की सुंदरता उपासना की तरफ ले जाती है।
बोलो सीतारा। तो कई लोग तन से तो सुंदर होते, मन खराब होता। तन से सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, मन की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और, इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पर सुंदरता टिकती नहीं, उधारी की तो बिल्कुल नहीं टिकती। एक बहन जी, हम मेलबर्न की नहीं बोलेंगे, ऐसे ही एक चर्चा। एक बहन जी जो है मरने जा रही थी आत्महत्या करने। हमने पूछा कहाँ जा रही है? आत्महत्या करने जा रहे। हम कहा नहीं, करना चाहिए, जब करने ही जा रही तो कौन रोक सकता है, जाओ जाओ जाओ। लेकिन हमने देखा अभी ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हम कहा तुम तो आत्महत्या करने जा रही थी, ये ब्यूटी पार्लर में क्या कर रही है? बोले गुरुजी कल अखबार में फोटो आएगी ना। तुम्हारी जय हो माता जी। मरना भी है, सिंगार करके बेबी फोटो की चिंता। ऐसे ही एक और माता जी थी, बूढ़ी माता जी मेलबर्न की, रोज कहती थी आज तो हम मर जाएंगे, आज तो हम अब नहीं हम बच्चों से हम टेंशन में, अब तो हम आत्महत्या करेंगे। एक दिन बेटे ही ने किए कह दिया कि कर लो आत्महत्या। तो हमने रोका कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माता जी हैं। अरे बोले मर जाने दो, वो भी कहीं तो हम जा रहे हैं मरने कुआ में। आने कहा अरे भाई रोको, माता जी हैं, कुआ में गिर जाएंगी, मर जाएंगी। बेटा बोला उन्हें नहीं मरना है, 20 साल से देख रहे आज तक नहीं मरी। लेकिन उस दिन बड़ी नाराज थी। तो हमारे बगल की घटना है, हमारी सामने की घटना है, वो इतने भयंकर नाराज। हमने कहा भाई 20 साल निकल गए पर आज मुश्किल है निकलना। तो हम पीछे पीछे चले गए कि अगर गिरे तो हम बचा लेंगे। लेकिन वो तो तुरंत गई, वो आ गई। तो हमने पूछा क्या बात है माता जी, तुम मरी नहीं है, कुआं में गिरी नहीं है? बोले गुरु जी क्या बताएं, कुआं में गिर रहे थे पर भारी बड़ा सांप था। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो बोली आप हंस क्यों? हम कहे जब मर नहीं है तो सांप क्या देखना है, जब मरना ही है तो सांप क्या देखना है। पर ऐसे भी विचित्र लोग बहाने, इनको कहते हैं बहाने बनाना। क्या कहते हैं? बहाने बना। इसलिए मन बड़ा खतरनाक है। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मेरे ऑस्ट्रेलिया के पागलों, तुम विकारों को मिटाओगे, विचारों को बदलोगे, तो हम तुमको स्पष्टता के साथ कह सकते हैं तुम्हारे मन की शुद्धि भी होगी और तुम्हारे जीवन की सिद्धि भी होगी और तुम्हारे जीवन में प्रसिद्धि भी होगी। तो विकारों को मिटाने के लिए, विचारों को बदलने के लिए क्या करें महाराज? कोई उपाय बताओ। एक उपाय, तुम रे भजन राम को बदलने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए हनुमान जी की भक्ति उपाय है। किसकी भक्ति उपाय है? जोर से बोलो, फिर करते क्यों नहीं हो?